दृश्य हरिद्वार गंगा घाट का। मार्ग में भारी मलबा आने के कारण बंद कर दिया गया है पैदल मार्ग सभी रास्ते। ये आप देख रहे हैं टेस्ट से मस नहीं होने वाली जाम भी से लग गया है, चाहे वो इधर की बात कहे। ये अपर जाने का मार्ग और ये हम पहुंच चुके हैं हरकी पैड़ी। कितनी देवी के जो पैदल मार्ग है वो बंद है क्योंकि वहाँ पे भारी लैंडस्लाइड हुआ जिसकी वजह से रास्ता बंद कर दिया गया है। और रही बात हाईवे की, हाईवे भी पूरी तरह से आज जाम है, काफ़ी घंटों लगने वाला जाम वहाँ पे दिखने को मिल रहा है। और साथ में अगर शॉर्टकट भी ले रहे हैं तो शॉर्टकट में भी कहीं ना कहीं आपको जाम का दृश्य देखने को मिल रहा है। काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु है वो आप देख रहे हैं ब्रिज, ये ब्रिज कभी कभार खुलता है, आज खुला हुआ है क्योंकि भीड़ को देखते हुए सबसे ज़्यादा खोला जाता है कि यहाँ पे भीड़ ज़्यादा ना हो। देख रहे हैं सारे ओर की जो दृश्य है, चौंका देने वाली दृश्य आज का भी आपको देखने को मिल रहा होगा। चलते हैं घाट का दृश्य आपको थोड़ा दिखा देते हैं ताकि और भी आपका नज़र लगे और आप माँ गंगा का दर्शन सीधे नीचे घाट से देख सकें। अगर हाईवे की बात करूँ तो आप हाईवे तो यहीं से देख सकते हैं। ये आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा जाम लगी हुई है, ट्रक गाड़ियाँ बाइक सबसे ज़्यादा बाइक है। सबसे प्रमुख घाट है ये जहाँ पे श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं और गंगा जी का गंगा जी लेके जा रहे हैं। आप देख रहे हैं आज का दृश्य भी आज, लेकिन कल की तुलना में जो गर्मी थी कल उससे राहत है। आज भी उमस हो रही है लेकिन तेज धूप से राहत है। देख रहे हैं चारों ओर का दृश्य किस तरह का है और हाईवे चाहे वो हरकी पैड़ी आप आना चाहेंगे आप रेलवे स्टेशन से तो भी आपको काफ़ी ज़्यादा सामना करना पड़ेगा जाम का, क्योंकि जाम काफ़ी ज़्यादा है। आज भी चारों ओर आपको दृश्य वही दिखाई देगा जो कि आप कल देखे थे। यह दृश्य आपको आज तक दिखाई देगा, कल से राहत मिल जाएगा। अगर आप फैमिली के साथ आना चाह रहे तो आ सकते हैं। बारिश का हरिद्वार में किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है लेकिन जाम का अभी जो सामना वो करना पड़ रहा है और आज के बाद से जो दृश्य हो जाएगी वो नॉर्मल हो जाएगा। तो आप आराम से हरिद्वार का यात्रा कर सकते हैं फैमिली के साथ। चंडी देवी की यात्रा के लिए काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे, तो चंडी देवी की यात्रा तो कर सकते हैं, किसी बात कोई दिक्कत नहीं। बस चंडी ब्रिज के बाद जो भीड़ होती है वही जाम देखने को मिलता है, बाकी तो नॉर्मल दृश्य ही देखने को मिल रहा है चंडी देवी के लिए। मनसा देवी में बस वही है लैंडस्लाइड हुआ जिसकी वजह से रास्ते बंद है। रोपवे की मार्ग खुला हुआ है, आप रोपवे से यात्रा कर सकते हैं। ऐसे चंडी देवी मनसा देवी के लिए दो मार्ग है तो दूसरे मार्ग से पैदल मार्ग का यूज कर सकते हैं, बाइक से भी यात्रा कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं पूरी घाट हाउसफुल है, कहीं पे भी जगह नहीं है कि आप जाके कुछ देर डुबकी लगा सकें। गंगा जल के अंदर भी जगह नहीं दिख रहा है। काफी ज्यादा रस है आज। घाटों का नीचे का दृश्य देखेंगे तो इस प्रकार का दृश्य बना हुआ है, चप्पल कपड़े पॉलीथीन पूरे यहाँ पे घाटों पे पड़े हुए हैं।
अभी हम आ चुके हैं हर की पैड़ी में। चारों ओर आपको हर हर महादेव का गूंज सुनाई दे रहा होगा। जल उतना भी कम नहीं है, देख रहे हैं यहाँ पे सीने इतना जल है, कहीं पे कम जल है तो कहीं पे ज़्यादा जल है, क्योंकि गहराई के ऊपर डिपेंड करता है, वहाँ पे गहरा नहीं है। लेकिन आप ब्रह्मकुंड के घाट के पास जाएंगे कितना गहरा है आप देख रहे हैं, कहीं पे गहरा है तो कहीं पे गहरा नहीं है, पत्थर भी है तो चोट भी लग सकती है। तो इस तरह का दृश्य अभी आपको हरिद्वार का देखने को मिलेगा। आप अगर आज की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर आज हरिद्वार में हैं तो आप इस तरह का दृश्य देख रहे होंगे, और आप हरिद्वार में हैं तो आप ऋषिकेश बाईपास वाले मार्ग से आएँ ताकि आपको चलने की ज़रूरत कम पड़े। मार्ग भीमगोड़ा की ओर से आ रहा है, उधर का भी मांजर आप देख सकते हैं सेम है। यहाँ पे गंगा जी की आरती होती है, 7 बजे का टाइम है गंगा जी की आरती का, शाम के टाइम का, तो आप आके कम से कम 2 से 3 घंटे पहले आके आपको यहाँ पे बैठना पड़ेगा, तब जाके आपको आरती के दर्शन होंगे, क्योंकि भीड़ को और तोड़ने वाली हो रही है अभी हरिद्वार में।